इसे कहते हैं चस्का बिना मस्का। बहुत शौक है ना तनवीर को खेल खेलने का। अब हम उसे बताएंगे कि जब खेल में हार हो जाती है तो कैसा लगता है। दुखी करके रखा हुआ था उसने। और सहर, अगर इसके बाद भी आहिल को ये यकीन नहीं हुआ ना कि उनकी अम्मी झूठ बोलती हैं, उनसे चीजें छुपाती हैं और वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी सबूत उन्हें यह यकीन दिला पाएगा कि उनकी अम्मी असल में क्या चीज है। फिर तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। नहीं, ये बहुत बड़ा सबूत है, इससे तो आहिल की आंखें खुली जाएंगी। बस एक बार आहिल हमारी ये बात मान लेना, उसके बाद तनवीर का पर्दा फाश। ऐसा क्या है इसमें? समझ सकती हूँ रेहान, आपकी अम्मी ने सारी जिंदगी आपकी सच्चाई दुनिया से छुपाई, कभी किसी के सामने आपको बेटा कह के नहीं बुलाया। इसलिए रेहान, अब वक्त आ चुका है जब आपकी अम्मी की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए, खासतौर पे आहिल के सामने। आहिल भाई, मदर्स डे पे बेगम साहिबा को सरप्राइज देना चाहते हैं, मैं भी अम्मी को एक सरप्राइज दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आज आहिल भाई के सामने सच लाके ही रहूंगा। अम्मी, हैप्पी मदर्स डे।